प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज परमेश्वर ने हम सबको इस तरह से एकत्रित होने के लिए एक मौका और दिया, मैं उसके लिए प्रभु का आभारी हूँ। आज कई लोग ड्यूटी पे हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने लोग आ सके, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अपन लोग पहला यूहन्ना पहला अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। पहले अध्याय को यदि खोल लें, आप में से यदि किसी के पास ये पवित्र शास्त्र की कॉपी ना हो तो जरा हाथ उठा दें, तो आपके पास पहुंचा देंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, पिछले हफ्ते हमने 7वें श्लोक का अध्ययन किया था। जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगले हिस्से को मैं देखना चाहता हूँ, जो हम में से हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे विश्वासी हों, अविश्वासी हों, या ऐसे व्यक्ति हों जो कि विश्वास के बावजूद अपने आत्मिक जीवन में ठंडा हो, सबके लिए ज़रूरी एक भाग है, वो इसी अध्याय के 8, 9 और 10 में देखते हैं। आठवें पद में हम देखते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। इसका क्या मतलब है? कई बार जिन लोगों ने प्रभु यीशु से पाप की क्षमा मांगकर प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति पाई है, जो प्रभु यीशु को अपना इष्ट देव मानते हैं, ऐसे कई लोगों के जीवन में ऐसा भी अवसर आता है जब वे लोग अपने आप दावा करते हैं कि मेरे जीवन में तो कोई पाप है ही नहीं। मैं एक भाई को जानता हूँ जो अक्सर दावा करते हैं कि पिछले 40 साल से कभी भी अपनी पत्नी से एक भी कड़वा शब्द नहीं बोला है। वो कहते हैं कि मैं जीवन में इतना परफेक्शन पर पहुंच गया हूं कि पत्नी से एक भी कड़वा शब्द पिछले 40 साल में नहीं बोला। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में मैं आपको बताना चाहता हूं कि या तो 40 साल पहले वो बहन जो है वो गुजर गई, तो आप कोई कड़वा शब्द बोलने का सवाल ही नहीं उठता, या दूसरी बात यह है कि वो सरासर झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम दावा करें कि हमारे अंदर बिल्कुल पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ दो प्रकार के लोग हैं। नंबर वन, वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में एक अवसर जब आया, उस अवसर पर जाकर प्रभु से कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ और आपसे इसलिए क्षमा मांगता हूँ क्योंकि आप इस संसार में मेरे पापों के लिए बलिदान करने के लिए, बलिदान होने के लिए आए थे। आप सूली पर मेरे पापों के लिए बलिदान हुए, उस बलिदान के द्वारा मैं पाप की सजा से छूट सकता हूँ,
इसलिए प्रभु आज मैं आपसे अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं आपको अपना मुक्तिदाता मानता हूँ, अपना इष्ट देव मानता हूँ, मतलब मैं आइंदा आपकी और सिर्फ आपकी आराधना करूँगा। इस तरह से जिन लोगों ने प्रार्थना की है उनके जीवन में एक नई खुशी है, एक नई आशा है। लेकिन इस तरह के लोग भी जो प्रतिदिन का जीवन है, पाप की सजा से उनको मुक्ति मिल गई है, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में उनके जीवन में पाप कई बार आ जाता है। हो सकता है कि दूसरों से बेहतर हों और बेहतर होना ही चाहिए, लेकिन इसके बावजूद पाप हमारे जीवन में जाने अनजाने आ सकता है। इसलिए हम में से यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझ में पाप नहीं है, तो गलत सोच रहा है, गलत बोल रहा है। पाप एक स्वभाव है जो पैदाइश से हमारे अंदर है, और ये स्वभाव हमारे अंदर तब तक रहेगा जब तक हम इस शरीर को छोड़ नहीं जाते, तब तक रहेगा। शरीर को जब छोड़ देंगे उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रभु यीशु जब दोबारा आएंगे, प्रभु ने खुद कहा था, प्रभु ने जाने से पहले खुद कहा था कि वे वापस आएंगे, और जब अपने शिष्यों के सामने प्रभु खड़े हुए थे और अचानक शिष्यों के सामने उनका स्वर्गारोहण हो गया और वे लोग हाय हाय क्या हुआ सोच रहे थे, तब स्वर्गदूतों का एक दल वहाँ पर उतर कर आया और उन्होंने कहा कि यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? ये प्रभु जो आज तुम्हारी नज़रों में स्वर्ग पधार गए हैं, स्वर्गारोहण हुआ है, वे प्रभु इसी तरह से दोबारा वापस आएंगे। ये 2000 साल पहले की घटना है, और तब से आज तक प्रभु के जो अनुयायी हैं, प्रभु के जो शिष्य हैं, जो प्रभु को अपना इष्ट देव मानते हैं, वे सब लोग इस बात की बाट जोह रहे हैं कि प्रभु वापस आएं। कब आएंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रभु ने इतना जरूर कहा था कि मैं जल्दी आऊँगा। तो जो लोग प्रभु की बाट जो रहे हैं उन सबको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु सही समय पर मध्य आकाश में प्रकट होंगे, उस समय जिन लोगों ने भी पाप क्षमा पाई है उन सबका रूपांतर हो जाएगा। इस नश्वर शरीर को छोड़कर एक अनश्वर शरीर को प्राप्त कर लेंगे। उसके साथ साथ जिन लोगों ने पाप क्षमा के बाद जो लोग गुजर गए, वे सब अपनी अपनी कब्रों से पुनर्जीवित हो जाएंगे। जिन्होंने प्रभु से पाप क्षमा नहीं पाई उनको इस तरह से पुनर्जीवित नहीं होंगे। जिन लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण किया और उसके बाद गुजर गए, वे भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। और इस तरह से जो जीवित लोग हैं जिनका रूपांतर हुआ है, और जो गुजर चुके हैं उनमें से जो प्रभु यीशु के अनुयायी थे, मतलब जिन्होंने प्रभु के द्वारा शाश्वत जीवन पाया था, वे जब पुनर्जीवित हो जाएंगे तो ये दोनों समूह मध्य आकाश में प्रभु के पास चले जाएंगे। तो उस समय जो जिंदा हैं उन लोगों को जो एक नया शरीर मिलेगा, और जो मुर्दों में से जो पुनर्जीवित हो जाएंगे उनको भी ये नया शरीर दिया जाएगा। उस शरीर के लिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, वो था रूपांतरित शरीर। आज हमारा ये शरीर जो है ये नश्वर है। इस शरीर में दर्द का अनुभव होता है, भूख का अनुभव होता है, और भी बहुत सारी भावनाओं का अनुभव होता है, वासनाओं का अनुभव होता है। लेकिन एक बार जब हमको रूपांतरित शरीर मिल जाएगा तो उसमें भूख नहीं है, प्यास नहीं है, दर्द नहीं है, और किसी भी तरह की कामनाएं या वासनाएं नहीं होंगी। जब वो रूपांतरित शरीर हमको मिलेगा तब हमारे अंदर जो पाप का जो स्वभाव है जिसको लेकर हम पैदा हुए हैं वो पूरा
पूरी तरह से हटा दिया जाता है। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति उस क्षण से पहले रूपांतरित शरीर प्राप्त करने से पहले यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि मेरे अंदर पाप नहीं है, तो वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हम सब के अंदर एक पाप स्वभाव है, वो स्वभाव लगातार हमको दबाता रहता है, लगातार हमारे कानों में कहता रहता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। कैसा करो? प्रभु की नज़र में जो गलत काम है वैसा करो। इसके बारे में और अधिक आप पढ़ना चाहें तो नोट कर लें, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय के आधे से लेकर आगे पढ़ना शुरू करें तो पाप के बारे में, ये स्वभाव हमारे अंदर पैदाइशी जो पाप का स्वभाव है वो कितना नुकसान कर सकता है और कितना करता है, और यदि हम प्रभु पर आश्रित ना रहें तो कितना नुकसान और करेगा, ये सब प्रभु के वचन से हम रोमियो की पत्री 7वें अध्याय के उत्तरार्ध में पढ़ते हैं। तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यहाँ पाप जो है इसका क्या मतलब है? हमारे अंदर एक पैदाइशी स्वभाव है, झुकाव है, जो हमको पाप से भरे हुए कर्मों की तरफ आकर्षित करता है। आपको क्या लगता है, दुनिया में जो लोग गलती करते हैं उनको ये गलत है ये मालूम होता है या नहीं होता है? मान लीजिए कि गाड़ियां खड़ी हैं, रेड लाइट है, उस रेड लाइट में एक व्यक्ति जो है वो गाड़ी को रेड लाइट क्रॉस करके ले जाता है, उसे मालूम है या नहीं कि ये गलत है? उसे बिल्कुल मालूम होता है। रेड लाइट पे लेकिन एम्बुलेंस वाले ट्रैफिक क्रॉस करके ले जाते हैं, उनको मालूम है क्या? क्या आपको लगता है कि ये सही है या गलत है? कानूनन गलत है। कानून अभी तक जो कानून है वो एम्बुलेंस को रेड लाइट क्रॉस करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन चूंकि एक व्यक्ति के जीवन बचाने के लिए वो भाग रहा है इसलिए कोई उसके बारे में शिकायत नहीं करता है, क्योंकि जीवन बचाना जीवन लेने से बहुत अधिक श्रेष्ठ बात है। लेकिन वो एम्बुलेंस ड्राइवर इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि वो जो कर रहा है वो कानून के विरुद्ध, वो लेफ्ट साइड पे भी जाते हैं ट्रैफिक, आपने ध्यान दिया होगा कि एक लेफ्ट लेन जो है वो भरा हुआ है तो राइट लेन से गाड़ी ले जाते हैं जो कि गलत है, वो जानता है कि गलत है लेकिन उसको मालूम है कि जीवन दान देने के लिए वो ये कर रहा है, इसलिए कोई भी उस बात को माइंड नहीं करेगा, कोई शिकायत नहीं करेगा और शिकायत नहीं होती है। मेरी जानकारी में अभी तक किसी को पकड़ के फाइन वगैरह नहीं किया गया। तो इवन जो व्यक्ति एम्बुलेंस में बैठा है इवन उसको मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो एक व्यक्ति के जीवन बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। बाकी सब जो रेड लाइट पर क्रॉस करते हैं उन सबको मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूँ। साइकिल वाले कई बार क्रॉस कर जाते हैं, डरते डरते क्रॉस करते हैं, जानते हैं क्यों? साइकिल वालों के लिए भी वही नियम है, लाल बत्ती पे साइकिल वाले को भी नहीं क्रॉस करना है। सिर्फ चार पहिया वाहन या मोटर बाइक के लिए नहीं या स्कूटर के लिए नहीं, साइकिल के लिए भी वो लागू होता है। तो जो व्यक्ति इस तरह से ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन करता है वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। जो व्यक्ति दफ्तर में किसी का काम करने के लिए घूस मांगता है, मान के चलो कि बिजली के ऑफिस में काम कर रहा है, कनेक्शन के लिए कोई पहुंचा है तो कहता है पहले यहाँ 3000 रुपये मेरे ड्रॉर में डाल जाओ, मैं कनेक्शन दे दूँगा। पानी के कनेक्शन के लिए जा रहे हैं, वो कहता है पहले यहाँ ड्रॉर में 3000 दे जाओ, कनेक्शन हो जाएगा। या कुछ लोग उससे ज़्यादा परिष्कृत होते हैं, वो कहते हैं जाते जाते मैं वो दरवाजे पे जो बाबू बैठे हुए हैं उनसे मिल जाना, कनेक्शन हो जाएगा। बाबू इसका दलाल होता है, तो जो दरवाजे पे जो बाबू बैठा है वो पूछता है क्या चाहिए भैया? तो मुझे पानी का कनेक्शन चाहिए
अफसर ने कहा कि आपसे मिलता जाऊं। हाँ, मुझसे मिलके जाने को इसलिए बोला है, अफसर के लिए 3,000 रुपये यहाँ रख के जाओ। उसको भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाता है। अफसर को मालूम है कि ये गलत है, इसलिए वो डायरेक्टली लेने के बदले बाबू के द्वारा जो है वो पैसा वसूल करता है। बाबू को मालूम है कि ये गलत है, लेकिन चूंकि अफसर के लिए ले रहा है इसलिए वो गलती करता है। वहाँ से लेकर हर तरह की गलती, हर तरह का कुकर्म करने वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वे लोग गलत काम कर रहे हैं। इस कारण इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति क्या ना हो, राजा हो, रंग हो, या कंगाल हो, या फकीर हो, इसमें से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं निर्दोष हूँ। आप कहेंगे कि सर जी, ऐसे बहुत सारे सन्यासी लोग हैं जो बिल्कुल जीवन में निर्दोष हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं इनमें से शायद किसी ने भी जाके किसी सन्यासी से नहीं पूछा होगा कि बाबा आपका जीवन निष्पाप है क्या। लेकिन मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, हायर सेकेंडरी से ये आदत चालू हो गई थी मेरी, मैं किसी से डरता नहीं था। मेरे अध्यापक लोग भी अक्सर बोलते थे कि जॉनसन तुम अध्यापकों के मुंह पे बोल देते हो, हमको बुरा लगता है। तो मैं उनसे कह देता था कि माफ़ करें, लेकिन जो मेरे मन में है वो बोलना ज़रूरी है। तो इस आदत के कारण मैं जब 11वीं में था, उस समय मध्य प्रदेश में सिर्फ 11 क्लास होते थे, 11वीं में था, तब से एक आदत डाल ली थी, कोई भी सन्यासी मिले तो मैं पूछ लेता था, बाबा आपको पापों से मुक्ति मिल गई है क्या। सबसे उसमें मुझे आश्चर्य लगा जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो हमारे कॉलेज के सामने एक सन्यासी बाबा आए। उन्होंने अपना हाथ यूँ ऊपर उठा रखा था, कितने साल से, लगभग 15-20 साल से, और हाथ बिल्कुल सूख गया था। उसको आप हाथ से हाथ लगाएं उसको नीचे नहीं कर सकते, इस तरह से सूख चुका था। कितना बड़ा तप, कितनी बड़ी तपस्या उन्होंने की। चूंकि ये कॉलेज के सामने ही था इसलिए मैं तो शेर था वहाँ पे। मैंने जाके वहाँ 50 लोग खड़े थे, सबके सामने पूछ लिया कि बाबा आपने कितने साल, आप कितने साल से कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया, बच्चा इतने साल से कर रहा हूँ। बच्चा बोला, मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं उनके सामने बच्चा ही था। लेकिन कॉलेज के सामने होने के कारण मैं शेर भी था। मैंने पूछा, बाबा आपने इतना बड़ा त्याग किया, इतनी बड़ी तपस्या की, इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, आपको यकीन है क्या कि आप ईश्वर के निकट पहुंच गए हैं? आपको यकीन है क्या कि जब इस दुनिया को छोड़ जाएंगे, जब इस नश्वर शरीर को छोड़ जाएंगे, आपको यकीन है क्या कि आप प्रभु के पास पहुंच जाएंगे? उनका सीधे सीधे एक वाक्य में जवाब था, बच्चा कौन कह सकता है कि उसको मुक्ति मिल गई है, कौन कह सकता है कि वो ईश्वर की उपस्थिति में जाएगा। मैंने और भी बहुत सारे लोगों से पूछा है, बहुत 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 सारे लोगों से। एक बार तो एक सन्यासी जो है मुझसे वार्तालाप के लिए, युवा था, युवा सन्यासी था, मुझसे मुश्किल से 2 या 3 साल बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। एक युवा सन्यासी ने तो पूछ ही लिया, मैं आपके साथ 2-4 दिन रह के सत्संग कर सकता हूँ क्या। उस समय मैं बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ता था, तो मैंने कहा जरूर आइए ना। तो सन्यासी रमेश मेरे साथ आके 2-3 दिन रहे, खूब हमारा जम के जो है हमारे बीच में खूब जम के वार्तालाप हुआ, 50 विषयों के ऊपर हमने चर्चा की। लेकिन एक प्रश्न कि सन्यासी जी आपने जीवन में मुक्ति पाली है क्या, तो उनका जवाब हमेशा था, अरे मुक्ति पाली होती तो मैं आपके साथ सत्संग के लिए काहे को आता, सत्संग के लिए इसलिए आया हूँ कि एक और व्यक्ति से कुछ और भी सीख लूँ, प्रभु ईसा का अनुयायी है उससे मैं कुछ और सीख लूँ। लेकिन मैं अभी यह नहीं कह सकता कि मुझे मुक्ति मिल गई है, या पाप, मैंने पूछा पापों से क्षमा, अभी नहीं कह सकता। इस तरह से विभिन्न प्रकार के सन्यासियों से, उसके अलावा दुनिया के बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से मेरी बातचीत हुई है। किसी से भी पूछिए,
सबका उत्तर है कि नहीं मिला, कि पाप से छुटकारा नहीं मिला। जानते हैं क्यों? जब तक हम इस शरीर को छोड़ नहीं देते तब तक पाप का जो स्वभाव है उससे मुक्ति नहीं मिल सकती, उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। लेकिन एक बात आपको मिल सकती है, क्या? पाप की सजा से छुटकारा मिल सकता है। मैं ऐसे सैकड़ों व्यक्ति आपको बता सकता हूँ जिनसे पूछें, आपको आपके जीवन में पाप है क्या? है। आप गलत कार्य करते हैं क्या? करते हैं। लेकिन आपको अपने पापों से क्षमा मिल चुकी है क्या? तुरंत वो जवाब देंगे, मुझे पापों की जो सजा है उससे मुक्ति मिल चुकी है, इसलिए कि मेरे इष्ट देव प्रभु यीशु ने आज से 2000 साल पहले सूली पर अपना बलिदान मेरे पापों के लिए बलिदान किया, और इस कारण जब मैंने प्रभु के पास जाकर पापों की क्षमा मांगी तो मुझे पापों से क्षमा मिल गई है, मेरे पापों की सजा से मुक्ति मिल गई है। उसके बाद प्रतिदिन के जीवन में यदि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं तुरंत प्रभु के पास चला जाता हूँ, प्रभु से अनुरोध करता हूँ कि प्रभु आपकी संतान पाप करे ये तो गलत बात है, लेकिन प्रभु जाने अनजाने में मुझसे हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, तो प्रभु क्षमा देते हैं, ये उनका जवाब होगा। 10वें पद में हम पढ़ते हैं तो 8वें पद में पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, उससे कोई भी व्यक्ति इनकार ना करे। 10वें पद में हम पढ़ते हैं, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो प्रभु को झूठा ठहराते हैं और प्रभु का वचन हम में नहीं है। ये दो अलग अलग प्रश्न हैं, उसको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं। पहला प्रश्न ये था कि पाप का जो स्वभाव है वो आपके अंदर है क्या? राजा हो, रंक हो, फकीर हो, उससे पूछ लीजिए, वो ईमानदार हो तो कहेगा कि बच्चा पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, उससे मुझे छुटकारा नहीं मिला है। लेकिन यदि प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है तो उसका जवाब होगा, पाप का स्वभाव मेरे अंदर है लेकिन मुझे पाप की सजा शाश्वत मृत्यु उससे मुझे छुटकारा मिल चुका है, और इस कारण प्रभु जब इस संसार में पधारेंगे, मध्य आकाश में आएंगे, तो मैं प्रभु के साथ उठा लिया जाऊंगा, और उठा लिए जाने के पहले मेरा रूपांतर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न ये था कि पाप का स्वभाव आपके अंदर है क्या? हर व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा कि पाप का स्वभाव मेरे अंदर है। इवन वे लोग जो रूपांतरित होने के इंतजार में बैठे हैं उनको भी मानना पड़ेगा कि मेरे अंदर पाप का स्वभाव है। उसके बाद 10वें में हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, एक स्वभाव के बारे में है, 8वां पद पाप के स्वभाव के बारे में है, तो 10वां पद पाप कर्म के बारे में है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि कर्म के द्वारा मैंने कभी पाप नहीं किया तो झूठ बोल रहा है और प्रभु को झूठा ठहरा रहा है, प्रभु का वचन हम में नहीं है। इसका मतलब क्या है? एक बार जब आप प्रभु के पास जाकर पापों से क्षमा पा लेते हैं तो पापों से क्षमा पाने के बावजूद कई बार जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, जाने अनजाने में हम पाप में फंस जाते हैं। और यदि कोई कहे कि नहीं नहीं मैं तो जिस दिन मैंने प्रभु को ग्रहण किया था या प्रभु को मुक्तिदाता मान लिया था तब से आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो वो प्रभु को ही झूठा ठहरा रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि हम पाप करते हैं, रोमियो की पत्री 7वें अध्याय में साफ साफ लिखा है कि हम जो नहीं करना चाहते वो करते हैं। तो इसलिए जब हम अपने स्वयं के बारे में सोचते हैं तब ना तो ये कहें कि मेरे अंदर पाप का स्वभाव नहीं है, इस तरह का कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिसके अंदर पाप का स्वभाव नहीं है। आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पा लिया है तो भी पाप स्वभाव आपके अंदर है। कब तक है? जब तक आपको रूपांतरित शरीर नहीं मिल जाता है।
और जब तक हमको रूपांतरित शरीर नहीं मिलता है, जब तक हम जीवित हैं, तब तक पाप हमको बार बार अपने मोह के जाल में फंसा लेता है, और उस मोह के जाल में फंस जाने के बाद लोग तमाम तरह के पाप करते हैं। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रिय भाई प्रिय बहन, जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हम जाने या अनजाने पाप, कुकर्म, अपराध, गलत कार्य करते हैं। इस कारण हमें और अधिक सतर्क रहना चाहिए। जब हमारे बच्चे किसी तरह का गलत काम करते हैं तब हमको खुशी होती है क्या? यहाँ कई माँ बाप बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आपका बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा हो, लंघन कर रहा हो, सही बात को तोड़ रहा हो, आपको दुख होगा या नहीं होगा? दुख होगा। जो माँ बाप नहीं है, जो कुंवारे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप कोई गलती करते थे आपके माँ बाप जो है खुश होकर नाचते थे कि आ हा 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 आज तो मेरे पुत्र ने पुत्री ने जो है 50 गलत काम किए? नहीं, मेरे पापा के पास तो हंटर था, तार का बना हुआ टंगा रहता था, या अपना बेल्ट, पापा बेल्ट पहनते थे, बेल्ट उतार के अच्छी तरह से मेरी पूजा करते थे। मैं तो बेल्ट पहनता नहीं हूँ, इस कारण मेरे बच्चे जब हुए तब मैं बाकायदा बिजली का तार जो है वो घर पे जैसे घड़ी टंगी है ना, ऐसे ही उससे थोड़े नीचे हाइट पर वो टंगा रहता था, और बच्चों से यदि कोई पूछना होता था तो मैं इसका उपयोग करूँ कि इतना पूछना काफ़ी था, खासकर बिटिया तो तुरंत मैं मेरा हाथ उस तरफ को जाए उसके पहले बोल देती, नहीं पापा मैंने किया है किया है, मुझे मारना मत। क्यों? जब तक इस शरीर में है तब तक राजा हो, रंक हो मतलब जो कंगाल हो, फकीर हो जिसने सब त्याग दिया है, उसके अंदर पाप का स्वभाव भी है, पाप के कर्म भी है, दोनों में जो अंतर है इसको अच्छी तरह से समझ लें। पाप का स्वभाव पाप से भरे हुए कर्म करने के लिए हमको प्रोत्साहित करता है। अब सवाल यह है कि यह तो बड़ी विकट समस्या है। विकट इसलिए कि शरीर में रहते समय प्रभु ये उम्मीद करते हैं कि हम पाप ना करें, लेकिन पाप में फंस जाते हैं, लंघन में फंस जाते हैं, गलत हमसे गलती हो जाती है, गलत कार्य कर जाते हैं, क्या करें? इसका उत्तर पहला इसी पुस्तक के 9वें अध्याय में हम देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी कुंजी है, चाबी है, जो हमारे जीवन में एक नए अध्याय को खोल देता है। 9वें श्लोक में या 9वें पद में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दुनियावी माँ बाप के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। कई बार बच्चों ने गलती की होती, मैं अपने बच्चों का बोल रहा हूँ, बच्चों ने कोई गलती की तो अक्सर मैं कहता था अभी बता दो, अभी मौका है, इस समय यदि तुम मान लोगे तो मैं फिर सजा नहीं दूंगा। तो बच्चे तुरंत मान जाते थे, पापा मैंने किया है मैंने किया है, तो मैं उनको चेतावनी देता था, ठीक है इस बार तो मैंने छोड़ दिया, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तो जब इस दुनिया का एक दुनियावी पिता जब बच्चे अपनी गलती मान लेते हैं तो उनको क्षमा करने के लिए तैयार है, एक दुनियावी पिता जब तैयार है तो आसमानी पिता तो हमेशा हमको क्षमा करने के लिए तैयार बैठे हैं। सिर्फ एक शर्त है, हम अपने पापों को मान लें। हम सबके मन में ये एक बड़ा प्रश्न है कि अपने आप को शुद्ध करने के लिए मैं क्या करूं, क्या करूं? प्रभु का वचन कहता है हम अपने पापों को मान लें, प्रभु के पास जाकर पापों को मान लें, और यदि ऐसा करेंगे तो प्रभु क्षमा करेंगे।
सवाल यह है कि प्रभु क्षमा क्यों करेंगे? इसलिए कि संसार के सृजनहार, संसार के सृष्टिकर्ता स्नेह से भरे हुए करुणा मूर्ति हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि सृजनहार जो है वो किसी तरह का राक्षस है जो डंडा लेके बैठा है कि कब जो है किसकी पिटाई करनी है, कब किसको सजा देनी है। देखिए, गलती की सजा तो वो देंगे, लेकिन प्रभु एक करुणा मूर्ति भी है। इस बात को कभी ना भूलें, प्रभु करुणा में ही है और प्रभु की करुणा सजा से ऊपर है। इस कारण हम में से कोई भी व्यक्ति जाकर यदि प्रभु से कहे कि प्रभु मैंने पाप किया है, तो प्रभु का वचन हमको बताता है कि प्रभु हमको क्षमा देंगे। प्रभु का वचन ये कहता है कि हम जाकर पापों की क्षमा मांगे। मैं और आप कितनी ही बार गलतियों में फंस जाते हैं, कितनी ही बार। उसका एक हल चाहिए हमको, और वो हल क्या है? पाप क्षमा। उसके लिए प्रभु किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखते। प्रभु की एक ही शर्त रखते हैं, मेरे पास आओ, मुझसे क्षमा मांगो। आज जो भाई और बहन लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन सब से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रिय भाई, प्रिय बहन, हम में से सबके अंदर वो पाप का स्वभाव छुपा हुआ है, सबके अंदर वो स्वभाव छुपा हुआ है। किसी के अंदर वो थोड़ा सा दिखता है, किसी के अंदर बहुत अधिक दिखता है, लेकिन पाप का स्वभाव हमारे अंदर है। उस कारण हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम पाप करते हैं। उस पाप से छुटकारा पाने के लिए दो काम करने हैं। जिन्होंने कभी भी प्रभु के सूली के पास जाकर अपने पापों से क्षमा नहीं मांगी है, इस तरह के कितने लोग यहाँ हैं, इस बात को याद रखें। आज यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पापों से एक बार भी क्षमा नहीं मांगी है? वे लोग प्रभु की सूली के पास जाकर इस बात को मान लें कि प्रभु, मैं पापी, लाचार और अधम व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर पाप का स्वभाव भी है और मेरे जीवन में पाप से भरे हुए कर्म भी हैं। आपने मेरे लिए सूली पर अपना जीवन बलिदान किया, उस बलिदान के द्वारा मुझे पापों की क्षमा मिल सकती है, और इसलिए मेरे पापों को क्षमा करें। जो भी व्यक्ति इस तरह से क्षमा मांग लेता है, उसको क्षमा मिल जाती है और उसको पाप की सजा से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए उसको छुटकारा, मुक्ति, मोक्ष या उद्धार कहा जाता है। एक बार जब हम इस तरह से छुटकारा पा लेते हैं, तो उसके बाद हमारा हर दिन का जीवन प्रभु के भय में बिताना जरूरी है। और जब हम हर दिन का जीवन इस तरह से प्रभु के भय में बिताते हैं, तब बीच बीच में पाप से भरे हुए कर्म आ जाते हैं। और जब इस तरह से पाप से भरे हुए कर्म आ जाते हैं, तब क्या करना है? यदि हम अपने पापों को मान लें, तो प्रभु हमें सब पापों से क्षमा करते हैं। एक दिन कितनी बार मानना होगा, अलग अलग व्यक्तियों पर डिपेंड करता है। जो आत्मिक जीवन में परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, हो सकता है उनको सुबह से शाम तक 10 बार प्रभु से पाप क्षमा मांगना पड़े। मांग लीजिए, क्योंकि प्रभु, जब भी हम क्षमा मांगते हैं, प्रभु क्षमा देते हैं। जो लोग आत्मिक जीवन में परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, उनको शायद इतनी बार ना मानना पड़े। लेकिन एक बात साफ है, जब तक हम इस दुनिया में हैं, तब तक हम सब के अंदर पाप का स्वभाव है, और चूंकि पाप का स्वभाव है, इस कारण क्षमा मांगने की जरूरत है। आज शाम को जो भाई और बहन
प्रभु का संदेश सुन रहे हैं, उन सब से मैं दो प्रश्न या तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न, प्रिय भाई, हम सब पाप का जो स्वभाव है उसको लेकर पैदा हुए हैं, और पाप का स्वभाव लेकर पैदा हुए इसलिए हमारा जीवन मेरा पाप से भरा, हम गाना गाते हैं, मेरा जीवन पाप से भरा हुआ है, आज मैं आपकी सूली पर आता हूँ, मैंने समझ लिया है कि प्रभु यीशु के बलिदान के कारण जो है मुझे पापों से क्षमा मिल सकती है, क्योंकि आपने मेरे लिए बलिदान किया। और जब आप प्रभु से पाप की क्षमा मांगते हैं तब पाप की जो सजा है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद प्रतिदिन के जीवन में यदि कोई पाप हो जाता है, गलती हो जाती है, मन ही मन प्रभु से, या तो मन ही मन या जोर से, कुछ लोग मन ही मन प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग जोर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु फलानी गलती हो गई मुझे क्षमा कीजिए, जैसे ही हम बोलते हैं वैसे ही प्रभु पाप से क्षमा प्रदान करते हैं। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सब से मैं, मेरा पहला अनुरोध यह है, अपने आप को जांचें, इस बात को जांचें कि आपने इस तरह से पाप की सजा से छुटकारा पा लिया है क्या। पाप की सजा से छुटकारा पाने के लिए आप प्रभु के पास कभी गए हैं क्या? नहीं गए तो आज इस अवसर का उपयोग कीजिए। नंबर दो, यदि आपने छुटकारा पा लिया है लेकिन आपके जीवन में पाप है, लंगन है, कुकर्म है, अशुद्धि है, तो जहाँ आप बैठे हैं वहीं बैठकर प्रभु से मन ही मन मान लीजिए, प्रभु मेरे मन में ये सब कुछ है, मेरे जीवन में मुझे क्षमा कीजिए। जब ये सभा समाप्त हो जाती है उसके पास, मेरे पास आइए, मैं जरूरी हुआ तो आपके लिए प्रार्थना करूँगा। ये दो बातें हैं जो मैं सबको आज शाम को बताना चाहता था। नंबर वन, हम सब के अंदर पाप का स्वभाव है। नंबर टू, इस कारण हम सबके जीवन में पाप के कर्म हैं। नंबर तीन, पाप की सजा है मृत्यु। नंबर चार, जो व्यक्ति प्रभु की सूली के पास जाकर प्रभु से क्षमा याचना करेगा उसको पाप की सजा से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर पाँच, छुटकारा मिलने के बाद भी कई बार हम लोग पाप में फंस जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जाकर प्रभु से याचना करें, प्रभु हमारे पाप क्षमा करेंगे। इन सब बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए और सही सही निर्णय लेने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। सही निर्णय से मेरा क्या तात्पर्य है? निर्णय का मतलब है कि आप जीवन में किस स्टेज पर खड़े हैं, इसको आप डिसाइड कीजिए और उसके बाद जो करना है वो करने के लिए प्रभु आपकी मदद करे। आज प्रभु ने ये जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, अगले हफ्ते आएँ तो अपने साथ एक आध मित्र को भी लेते आएँ, जो सत्संग भी होगा और उनके जीवन में यदि उनको पाप क्षमा का अनुभव हो जाता है तो और भी अच्छा है। इन सब बातों को पहचानने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। भाई बरनबास आकर प्रार्थना के साथ इस सभा को क्लोज करेंगे।